को काफ़ी हद तक देख लिया था, हमने वैल्यू इन यूज़ की डिटेल कैलकुलेशन देख ली थी, हमने जो है वो कॉस्ट टू सेल को डिटेल में देख लिया था। होमवर्क डिस्कस कर लें, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट में क्या था होमवर्क, डेट नहीं थी तो फ़र्क क्या पड़ता उससे। चलो खैर वो देख लेते हैं सर, फर्स्ट लाइन में लिखा था 5 लाख और 2021 में, यार वो असल में चीज़ें चेंज होती है ना, फिर नीचे ऊपर रह जाती है चीज़ें, पहले मैं कैरिंग अमाउंट लिखता हूँ नीचे, फिर जब वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन करता हूँ तो इम्पेयरमेंट नहीं आ रही होती है, तो मैं सोल्यूशन में तो कैरिंग अमाउंट चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन में करना भूल जाता हूँ, चेक कर लिया करो। तो हम लोग ने वैल्यू इन यूज़ निकाल ली थी उसकी। अच्छा चलो डिस्कस कर लेते हैं उसको, क्लास में भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो कर लें। अच्छा मैं जल्दी से कुछ बच्चों से पूछता हूँ जनाब, जैसे हमारे लाल शर्ट वाले भाई बैठे हैं, जल्दी से बताओ वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में क्या वो 7 चीज़ें हैं जो हमने एक्सक्लूड करनी है, कंसिडर नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, टैक्स कौन सा, कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं कंसिडर करना हमने, इनकम टैक्स कंसिडर नहीं करना, और कोई टेंशन नहीं, आगे बताओ। इंटरेस्ट और टैक्स हो गया, फिर पास पेबल्स, पास रिसीवेबल्स और करंट वैल्यू पे, तुम सोच सही रहे हो, तुम्हारे जो है ना वो ख्यालात को शब्द नहीं मिल रहे। ठीक है जी, सोच सही रहे हो। ओवरहॉलिंग, फ्यूचर ओवरहॉलिंग नहीं लेनी हमने, और उसके नतीजे में मिलने वाले इनफ्लोज नहीं लेने। वो जो हमारा भाई किसी की यादों में गुम है, बिल्कुल कोने में बैठा है, जल्दी से बता मेरा भाई, कॉस्ट टू सेल में क्या क्या चीजें आती हैं ये बता दे, नहीं आती की तो लिस्ट बहुत बड़ी है। ब्रोकरेज, ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और लीगल चार्जेस सारे आते हैं। ठीक है जी, चलो जी, वेरी गुड। देखो तुम लोगों का माशाल्लाह चीजें तुम लोगों को याद रहती हैं, लेकिन जीरो कॉन्फिडेंस, पता है लेकिन बोल नहीं पा रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो चेंज करना पड़ेगा भाई, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इस क्लास में आप जिस तरह बात करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना, आपके एक्सेंट में सिंधी आती है, पंजाबी आती है, पश्तो आती है, वी डोंट केयर यार, आपको बात करने आना चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको एक पार्टनर से मिलवाऊंगा, दुबई में पार्टनर होते हैं KPMG के, उनका टोटल एक्सेंट पश्तो एक्सेंट है, ठीक है, पठान है वो, तो पार्टनर है भाई, KPMG का पार्टनर है माशाल्लाह, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो आप शर्माते हो ना कि यार मैं पता नहीं ज़ुबान खोलूँगा, मुंह खोलूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे, शर्म आपको ना साइड पर रखनी पड़ेगी, समझ आ गई। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ प्यारे भाई, ज़रा फेयर वैल्यू को कोई डिफाइन करेगा, व्हाट इज़ फेयर वैल्यू। बिड प्राइस, सिंपल, नथिंग एल्स, बिड प्राइस इज द फेयर वैल्यू, बस ऐसा। अच्छा जी, अब आए जरा जरा अच्छे तरीके से, एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है, और आई होप ये किस्सा आपको समझ आ जाए तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट समझाने में। भाईजान इससे पहले कोई क्लास नहीं थी क्या, ये लेट उठे हो हैं, ऐसे देख के चुप नहीं रहो, बता दो क्या हुआ, क्यों लेट आए हो, हैं सो गए थे। चलो सच बोला बंदे ने, तो हम क्या बोले, सो गए थे सर, हमें लगा कि क्लास से ज्यादा जो है वो नींद बेहतर है, भाड़ में गए क्लास और रिकॉर्डेड भी ले लेंगे, हैं नींद थोड़ी मिलेगी रिकॉर्डेड, है यकीन करो, मैं सुबह सुबह यहाँ झील पार्क पर जाता हूँ वॉक करने के लिए, वहाँ पर लोग आए होते हैं वॉक करने के लिए, घूम रहे होते हैं, सारे जो लोग वहाँ वॉक कर रहे होते हैं ना वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है जी, कोई किसी बैंक में है, कोई किसी जगह का लॉयर है, कोई किसी जगह, और सब हैं कोई 50-55 साल के। जब इंसान क्रॉस कर लेता है ना 40, तो फिर उसको अकल आती है कि यार थोड़ा भाई नींद का शेड्यूल सही कर लें। तो माशाल्लाह आप लोग का तो जिस तरह का शेड्यूल है कि भाई क्लास के वक्त सो रहे थे, खैर मर्ज़ी है आपकी भाई, आप सोते रहें, एक दवाई के आप जगाएगा बस, हैं उसके बाद नींद नहीं आएगी, हैं। अच्छा चलें सर, बोर्ड भी देखिएगा सर, एक एक कंपनी है, मैं उसका नाम पता नहीं लिखूं नहीं लिखूं,
सर मैं उसका नाम लिख देता हूँ, चलो ये पब्लिक फैक्ट है तो मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी। एंग्रो एक कंपनी है, नहीं है कंपनी ए, कंपनी ए ने, कंपनी ए ने, गौर से सुनना, कंपनी ए ने लिया बैंक से लोन, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बैंक से लोन लिया या पब्लिक से लोन लिया, ठीक है जी। लोन लिया है सर, इसका इंटरेस्ट रेट है से 12%, कितना? तो ये जो कंपनी है बैंक को कितना सूद पे करेगी? 12% का सूद, डन हो गया जी। अच्छा, फिर ये पैसा जो इस कंपनी को मिला, ये इस कंपनी ने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया, ये क्या होती है जी? म्यूचुअल फंड क्या होता है बाबू? एक एक जगह, एक एक्सपर्ट है जिसको आप पैसा दे रहे हो, ये पैसा ले भाई मुझे कमा के दे दे इसके ऊपर, ठीक है, मुझे खुद नहीं आता, तुम कमा के दे दो मुझे। म्यूचुअल फंड क्या है? एक एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू है, आप जाएं पैसे दें उसको, सर ये लें पैसे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल पैसे कमाना नहीं आते, या अब्बा से पैसे मिले या आप रख लें, आप इसमें जो पैसे कमा के दे दें। म्यूचुअल फंड ने कहा जी हम आपको रिटर्न देंगे 11% का, कितने का? 11% का। एंग्रो ने कहा वेरी गुड, ब्रिलियंट, जबरदस्त, डज इट मेक सेंस, हैं? डज इट मेक सेंस, ये सेंसिबल लग रहा है, ये सेंसिबल लग रहा है, नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्यों? कौन पागल का बच्चा 12% पे पैसे लेगा और 11% पे इन्वेस्ट करेगा और 1% अपनी जेब से पे करेगा, ऐसा? लेकिन दिस इज परफेक्टली सेंसिबल। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, आप कहोगे वाकई यार इनका जहन चलता है, मैं क्लास में अर्जेंट हूं। अच्छा जी सुनो, अब होता क्या है सर, एंग्रो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, ठीक है जी। एंग्रो उसमें दिखाता है जी सेल्स, मिसाल के तौर पर जी 1000 रुपए की, ठीक है जी। एंग्रो उसमें दिखाता है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मिसाल के तौर पर जी 600 रुपए का, क्या आ जाता है जी हमारे पास? 400 रुपए का सर आ जाता है जीपी। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाता है जी एंग्रो से 250 रुपए के, कितने का प्रॉफिट आ जाता है जी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना जी? 150, ऐसा ऐसे ही दोस्त। अच्छा, एंग्रो अब तक कोई सूद पे नहीं कर रहा था, कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा था, आज से पहले लोन ही नहीं लिया था, तो ये बन जाता था सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस पर क्या लगता था? अच्छा अज्यूम करो 30% का टैक्स रेट है, 45 निकलता देखो, और एंग्रो अपनी जेब में कितने पैसे लेके जा रहा होता था? 105, ऐसा। अब हुआ क्या कि एंग्रो ने लिया लोन, कितने का जी? एंग्रो ने लोन ले लिया से मिसाल के तौर पर 500 रुपए का, 12% का सूद कितना बनता है? 500 रुपए में 12% अगर 120 बन रहा है ना तुम्हारे जहन में, तो मर जाओ पहली फुर्सत में, 60 बन रहा है सर। अब बताएं जी एंग्रो का पीएनएल अब कैसे होगा? अज्यूम करते हैं जी ये 1000 ही रहे, ये 600 ही रहे, ठीक है जी, ये 400 ही रहे, ये 250 ही रहे, ठीक है जी, ये कितना रहेगा जी हमारे पास? 150। और एंग्रो के पास अब पहली दफा क्या आने लग गया? अब बता इसका प्रॉफिट 60 रुपए से कम हो जाएगा, 105 से कितना हो जाना चाहिए? 45। चेक करो जरा टैक्स कितना लगेगा, देखो 30% के हिसाब से क्या बचा? 60। अब मेरा सवाल है एंग्रो ने कितने रुपए का सूद पे किया, तो इससे प्रॉफिट 60 रुपए कम क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि टैक्स की बचत हो गई, देखो प्रॉफिट में कितनी कमी आई, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले अल्लाह के वास्ते, कितना? 42। सूद कितने का आया? 60 रुपए का। प्रॉफिट कितने से गिरा? 42 से। तो इसका मतलब है भाई हमारा एक एक्सपेंस आया, सूद का एक्सपेंस कितने का? 60 का, लेकिन सर हमारा टैक्स कम हो गया इसकी वजह से, टैक्स 45 से कम हो गया, कितना हो गया? तो बताएं मेरे पास टैक्स की सेविंग आ गई 18। अब बताएं मेरा नेट एक्सपेंस कितना है? 42, ऐसा। तो मुझे बताएं 60 रुपए के सूद का इंपैक्ट असल में कितना आया? 60 रुपए के सूद का इंपैक्ट असल में कितना आया? इसका मतलब है जितना आप सूद पे करते हो उतना आपको हिट नहीं लगता, ऐसा है या नहीं है? अब बताएं जी हम 42 रुपीज का सूद पे कर रहे हैं कितने के लोन पे? 42 रुपीज का इफेक्टिवली सूद पे कर रहे हैं कितने के लोन पे? तो अगर मैं आपसे पूछूं जी 42 / 500 क्या आता है, देखो जरा परसेंटेज क्या आती है? 84 आती है लांतियों, 8.4। सबको चाहते हुए भी फेल हो जाओगे,
क्या रहा जी 8.8। अच्छा बताओ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है, दिख कितना रहा है लोगों को 12%, असल में कितना है 8.4। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरा असल में जो वैसे सूद का रेट 12% था, लेकिन मैं जो भी एक्सपेंस इनकर करता हूं FBR उस पर मुझे टैक्स कम कर देता है, टैक्स का रेट कितना है, टैक्स का रेट कितना है, जो भी मैं इनकम कमाता हूं FBR 30% ले जाता है, जो भी मैं एक्सपेंस इनकर करता हूं FBR कहता है 30% मेरी तरफ से, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं सर, 12% का जो सूद है इसकी वजह से मेरा टैक्स बचेगा, सर कितने परसेंट का टैक्स का रेट है? तो सर असल में इस सूद का मेरे पास सिर्फ 70% का इंपैक्ट आएगा, चेक करो जरा कितना होता है, ऐसा। तो आइंदा के बाद जब आप बैंक से किसी कंपनी को लोन लेते हुए देखें ना कि उसने 12% पे लोन लिया, तो उससे कहें कि सर आपकी इफेक्टिव बोरोइंग कॉस्ट सूद का रेट 12 नहीं है, बल्कि आपको सूद पे करने पे क्या होगा, टैक्स सेव होगा, टैक्स सेव होगा, तो कितना कितना बचेगा इंपैक्ट, कितना रह जाएगा 70% रह जाएगा, आपको 12% का रेट इफेक्टिवली कितने का पड़ जाएगा 8.4 का पड़ जाएगा। तो सर अब बताएं सर इस बंदे की इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है, नजर कितनी आ रही है? तो सर इस 12% को हम कहते हैं प्री टैक्स रेट, क्या कहते हैं, और इस 8.4 को हम क्या कहते हैं, पोस्ट टैक्स रेट, ऐसा। ये बात समझ आती है? अब सुनो, अब आओ इस अरेंजमेंट पे दोबारा। म्यूचुअल फंड से कमाई गई सारी इनकम, म्यूचुअल फंड से कमाई गई सारी इनकम पे, म्यूचुअल फंड से कमाई गई सारी इनकम पे टैक्स सिर्फ 10% है, कितना है? अब बताओ ये कितना कमा रहा है, 11%। 11% का 10% कितना होता है, कैलकुलेट करने वालों की जिंदगी पे लानत। 10% का मतलब होता है दसवां हिस्सा, पॉइंट डेसिमल इधर कर दो ना यार, क्या आ रही है इफेक्टिवली 9.। अब बताएं इस बंदे ने 12% पे लोन लिया, 12% पे लिया लोन, क्या इसकी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट 12% है? नहीं, इसकी असल में बोरिंग कॉस्ट कितनी है, और इसे म्यूचुअल फंड में डाल दिया किस रेट पे, 11% पे। 11% कमाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा कितना, 10%, जो कि बनता है 1.1, ऐसा। तो जेब में कितने जा रहे हैं, आप बताओ 9.9 जेब में जा रहे हैं, जेब से जा कितने रहे 8.। क्या ये अरेंजमेंट तुम्हें सेंसिबल लग रही है? यस सर, ऐसा है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बंदा आपको बैंक से लोन लेते हुए नजर आ रहा है 12% पे, 14% पे, और वो रोना डाल रहा है 12% पे, तो मैंने सूद लिया है, सूद पे लोन लिया है, और इस पे मुझे बचेगा क्या, तो आपने उसके मुंह पे क्या बोलना है, सर आपकी टैक्स भी तो बचत होगी, आपके टैक्स का भी तो जो है वो सेविंग आएगा, तो आपने रोना नहीं डालना है, ठीक है जी। अब बताएं जी 12% म्यूचुअल फंड पे टैक्स नहीं होगा, म्यूचुअल फंड पे टैक्स कम है, ठीक है जी, ऐसा क्यों, म्यूचुअल फंड पे टैक्स कम क्यों है? क्या म्यूचुअल फंड पे टैक्स इसलिए कम है कि हमारी इस कॉम को अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं रखा जाता, बैंक में पैसा ट्रेडिंग के लिए रखा जाता है, स्टेशन किया जाता है ताकि पैसा सेव रहे, हाथों में ना रहे, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो आपकी नीड के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप उसको जाके कहें मैं एक यंग प्रोफेशनल हूँ, अभी अभी क्वालिफाई हुआ हूँ, 30-24 मेरी एज है, यार जरूरत से ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, सेव करना चाहता हूँ, वो आपका पैसा लेगा, उसको पता है कि आपको अगले 20 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है, वो रिस्की जगहों पर इन्वेस्ट कर देगा, अच्छा रिटर्न कमा के देगा। आप जाओ उसके पास 55-60 साल की उम्र में, आप कहो जी ये मुझे टोटल जो है ना मेरे रिटायरमेंट के पैसे मिले, ये ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जहाँ से मुझे एक रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि मुझे अपने हरामखोर बच्चों का जो है वो सहारा ना लेना पड़े, मैं इसी के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो बुढ़ापा गुजार के मर जाऊं कहीं, तो वो आपको क्या करेगा, आपके पैसे लेके आप जाएं कहें जी मेरे बच्चा है अभी 2 साल का है सर, वो जब 20-22 साल का हो जाएगा उसको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने के लिए, मैं चाहता हूं उसके लिए मैं आज से पैसे जमा करूं, ये म्यूचुअल फंड आपको एक मंथली अमाउंट बता देगा कि आप इतने पैसे जमा कराएं, तो इंशाल्लाह 20-22 साल की उम्र में आपके बेटे का बाहर जाने का जो जितना खर्चा है वो आप अभी से जमा कर लोगे। आप कहें जी मुझे बेटी की शादी करानी है, ठीक है जी, तो मैंने जो है उसके लिए पैसे जमा करने, म्यूचुअल फंड्स आर द जेन्युइन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को इसका पता, मतलब आप देखें सीए कर रहे हैं आपको नहीं पता, तो ये कितना बड़ा डिलेमा है, ऐसा है या नहीं है? सर पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मतलब सबसे एस्टेब्लिश जो आप कह लें कि इकोनॉमी है वो यूएस की है, यूएस में बैंकिंग सेक्टर
बैंकिंग सेक्टर 1% है म्यूचुअल फंड का, मतलब पूरे बैंक्स का पैसा मिला दो ना यूएसए में तो उनकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कितना बनता है, 1%। कम टू पाकिस्तान, म्यूचुअल फंड सेक्टर इज 0.5% ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ जो है ना वो बैंकों वालों ने आपके माँ बाप को सही बनाया, ठीक है जी, आपके जो आबा अजदाद हैं उनको सही बनाया, उनको बोला पैसा यहाँ रख दो, ठीक है जी। और फिर सबसे बड़ा रोल इस्लामिक बैंक्स ने प्ले किया, वो क्या प्ले किया, सूद तो हराम है, सूद हद दर्जा हराम है बेशक, लेकिन उसके बाद यार आप पैसा ले रहे हो उनसे और वो पैसा आप खुद सूद पे लगा रहे हो, तो ये चीज़ें जो है वो सोचने वाली। अब बताएं जी हमारी इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है, इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 12% या 8.4। 12% को हम क्या नाम देंगे, प्री टैक्स। 8.4 को हम क्या नाम देंगे, अब बताओ वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशन में आप कैश फ्लोज में टैक्स का इंपैक्ट लेते हो, वैल्यू न्यूज़ की कैलकुलेशन में टैक्स का इंपैक्ट लेते हो, मना किया ना टैक्स नहीं लेना, तो आपने अपने रेट को भी टैक्स से एडजस्ट नहीं करना, आपने रेट भी कौन सा इस्तेमाल करना है डिस्काउंटिंग के लिए, प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स इस्तेमाल। अब बताएं एग्जाम में दो रेट्स दिए क्या करोगे, क्योंकि हमने कैश फ्लोस कौन से रखे हुए विदाउट टैक्स, तो रेट भी कौन सा होना चाहिए, विदाउट टैक्स, ये बात याद रहेगी। अब बताएं जी आपने एग्जाम में अगर दो रेट्स दिए हो कि जी इस कंपनी की बोरिंग प्री टैक्स ये रेट है इंटरेस्ट रेट और पोस्ट टैक्स ये बनता है, तो क्या करोगे उसके अंदर, प्री टैक्स रेट लोगे, ये बात समझ आती है। सर इसको पहले कॉपी करें, मटन की फसल इतनी होगी तो हमने इतने पैसे देने, नहीं होगी तो इतने देने, ठीक है जी। किसान की फसल जब उग रही होती है उससे पहले वो परचेस कर चुके होते हैं, तो किसान को एक सपोर्ट प्राइस का पता होता है कि जी इतने में ये फसल बनेगी तो इतने मुझे देने, इतने मुझे मिलेंगे। उधर थोड़ा सा ना सही मायनों में इस्लाम है, यहाँ जो है ना वो बराए नाम इस्लाम है, यहाँ इस्लाम हमारे हलक के नीचे नहीं जाता, ठीक है जी, बिल्कुल इंटरेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ सूद नहीं होता, सूद के अलावा 10,000 एवेन्यूज हैं, ठीक है जी। ग्यारह परसेंट नेट है, ये चार्ज करते हैं 0.5% और बहुत कम, बिलियंस ऑफ रुपीस का सेटअप होता है पाकिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा सेटअप पाकिस्तान में, यहाँ भी माशाल्लाह इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है, मीज़ान के पास है सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का म्यूचुअल फंड, मीज़ान है, और पब्लिक सेक्टर का म्यूचुअल फंड जो है वो NIT है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 1.1 कैसे आया, 10% ऑफ 11%। जी मेरा बच्चा, एक चीज़ है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, खुद जाके शेयर्स खरीद लो, खुद जाके बॉन्ड्स खरीद लो, अगर नहीं एक्सपर्ट इसमें म्यूचुअल फंड्स को पैसे दे दो, ठीक है जी, वो आपके बिहाव पे सही जगह इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। 42 रुपीज़ का इफेक्टिव सूद है और 500 रुपये का लोन है, तो ठीक है, और वैसे भी निकाल सकते हो आप 12% का 70%, पक्का जी। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, हम कौन सा टैक्स लेंगे, वैल्यू इन टैक्स, भैया मैं 7 दफा बता चुका हूँ, आपके पास इनकम टैक्स है, आपने ना वैल्यू इन यूज़ में लेना है ना कॉस्ट टू सेल में लेना है, ठीक है जी। आपके पास कैपिटल वैल्यू टैक्स है, आपने कॉस्ट टू सेल में भी लेना है, वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में भी लेना है। आपने कोई ट्रांसफ़र टैक्स का नाम दे दे, आपने कॉस्ट टू सेल में भी लेना है और वैल्यू इन यूज़ में भी लेना है, पक्का। कौन सा टैक्स नहीं लेना, इनकम टैक्स लेना, बस ख़त्म, ठीक है जी। आए ज़रा दोस्त एक सवाल सॉल्व करते हैं, ये सवाल देख के सॉल्व करना, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आई होप कर लोगे तुम लोग। ये कह रहे जी, फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स ऑफ अ प्लांट ओन्ड बाय दुरैद लिमिटेड, ठीक है, कैरिंग अमाउंट आ रही है सर इसकी, ठीक है, कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल आ रहा है, और वो कह रहे यूजफुल लाइफ इसकी 3 साल है, हाँ, लेकिन सिर्फ नेक्स्ट ईयर का इसने कैश फ्लो दिया बस, और नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो में है क्या, सर मेरे पास सेल्स है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पास्ट एक्सपेंसेस टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, एडिशनल इनफ्लोज फ्रॉम ओवरहॉलिंग, इंटरेस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, टैक्स है, कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15%। ये किस कैश फ्लो की बात कर रहा है, ऊपर वगैरह जितने कैश फ्लोज हैं वो 15%
कम होते रहेंगे ओवर द पीरियड। साल कितने हमारे पास? तीन है, ठीक है। फिर वो कह रहे जनाब द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वुड बी 100। ये लेंगे हम वैल्यू इन यूज में? हाँ लेंगे हम। ये क्यों? हमने कहा वैल्यू इन यूज एसेट के इस्तेमाल करने के बाद बेचने पे जो पैसे मिल रहे हैं वो सब उसमें शामिल हैं। अब हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम इम्पेयरमेंट का सवाल सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले लेंगे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना है मेरे बच्चों? 165। रिकवरेबल अमाउंट मुझे नहीं पता, मैं रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट में मेरे बच्चों सबसे पहले फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितने की है? 140। वैल्यू इन यूज ये मुझे नहीं पता तो ये मैं मालूम कर लेता हूं। वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने अगर हम जाएं तो हमने कितने सालों के कैश फ्लो ड्राफ्ट करने? सर अच्छा पूरे पूरे ड्राफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे जी हमारे पास, अच्छा लेना क्या क्या है इसमें, अब सुनो। इनफ्लोस फ्रॉम सेल्स लेना? यस सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट? यस सर। पास्ट एक्सपेंसेस टू बी पेड इन? भाई मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पास्ट एक्सपेंसेस? नहीं नहीं सर, नहीं लेने, नहीं लेने, नहीं लेने, गलती मत करना सर इसको लेने की। पास्ट पेबल्स हमने डिस्कस किया था कि हम नहीं लेंगे। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी का मतलब है ओवरहॉलिंग, फ्यूचर ओवरहॉलिंग, नहीं लेंगे। फिर एडिशनल इनफ्लोज ड्यू टू ओवरहॉलिंग, नहीं लेंगे। फिर सर इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं लेंगे। सर मेंटेनेंस कॉस्ट? यस सर, ये लेंगे हम, ये बिल्कुल लेंगे हम सर। फिर सर हमारे पास टैक्स ऑन प्रॉफिट्स? नहीं लेंगे। तो सर हमारे पास इफेक्टिवली तीन ही ब्लू टिक आ रहे हैं इसमें। एक हमारे पास सर इनफ्लोज आ रहे हैं सेल्स से, कितना भैया वो 105। फिर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस है 20, और मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है 15। बताए नेट कैश फ्लो कितना? 70। अब बताएं ये अगले साल 15% कम हो जाएगा, तो 15% कम होने का मतलब क्या? अगर एक चीज 100 रुपए की है, 15% कम होने का मतलब 85 की हो जाएगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने किससे? तो ये ईयर 2 का कैश फ्लो आ जाएगा कितना? 59.5। फिर इसको सर मल्टीप्लाई करने किससे क्या आ जाएगा? 51.75। अच्छा 50.751 कर देते हैं इसको आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा जी अब सर हमने एंड पे आके एक रेजिडुअल वैल्यू भी कलेक्ट करनी है। यहां पर कितने? तो हमारे नेट कैश फ्लोज कितने हो गए? 70। आप इसको 60 भी कर सकते हो और 151, ऐसा ही है सर। अगर वो बोले कि ओवरहॉलिंग अभी ही हो रही है, याद रखना जो ओवरहॉलिंग हो चुकी है वो तो कॉस्ट का पार्ट बन गई होगी ना। कॉस्ट का पार्ट मतलब आपको पता है ना ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज होती है, तो जो ओवरहॉलिंग हो चुकी है वो तो ऑलरेडी कैरिंग अमाउंट में शामिल होगी ना। उससे ऐसी चीज़ वो बोलेगा क्यों तुम्हें? वो कह जी 3 साल पहले ओवरहॉलिंग हो चुकी। हो चुकी तो हो चुकी, हमें क्या है उसका, हमें क्या लेने देना उससे? जो होनी है उसकी बात करेगा ना। सेट है। अब बताएं जी हम क्या करें सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अच्छा आप आइंदा के बाद ना, मैं जब क्लास में सवाल दिया करूँगा ना करने के लिए, तो मैं उठ के सबकी कॉपीज चेक करूँगा कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है जी। क्योंकि आप माशाल्लाह आप में से एक अच्छा खासा नंबर ऐसा होता है जो बिल्कुल बोंगे बन के बैठे होते हैं, वो हाथ ही नहीं डालते सवाल में। तो वो सवाल में हाथ नहीं डालेंगे, मैं फिर जो है वो अच्छे अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे, ठीक है जी, छोड़ दो, मैं बालों में हाथ डाल दूंगा और क्या बोलूं। क्या रेट है जी? 16% निकालने जी। प्रेजेंट वैल्यू 9%। इस 70 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डिवाइडेड बाय 1.09 रेस टू पावर 1, 1.09 रेस टू पावर 2, 3 क्या आ रहा है देखें, 2
यार एक एक करके बता देना भाई, ये जब निकल है तो मुझे बता देना कितना ये, और आखिरी वाला कितना बेटा, ये आखिरी वाला ये 50 है, हाँ ना 60 तो हो भी नहीं सकता। फिर वन वन सिक्स पॉइंट, और ये तीनों को मिला जुला के और हिला के अगर देखा जाए तो क्या निकल रहा है सर, वन, ये आ गया भैया वैल्यू इन 230। चलो जी, अच्छा इससे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ना सर, 230 अगर आप यहाँ रखेंगे ना प्यारे बच्चों तो आपके पास रिकवरेबल अमाउंट निकल के आ जाएगा। कौन सा वाला हायर, क्या चाह रहा है भाई तू, इंपेयरमेंट कितनी है जी, ऐसा जी कर लोगे मेरे बच्चों? आओ एक और सवाल देखते हैं जी मेरा बच्चा, डेप्रिसिएशन भी दो, कहां पर चार्ज करनी बेटा, वैल्यू न्यूज में नहीं ना, तो जो आपको जो कैरिंग अमाउंट दी है वो तो उसी डेट की दी है ना जब इम्पेयरमेंट हो रही है, उसने ये तो नहीं कहा कि कैरिंग अमाउंट जो है वो एक साल पीछे की है या साल की शुरू की है, जिस डेट की कैरिंग अमाउंट दी है उसी दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, यानी हम अज्यूम करें कि यहां तक का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ही होता है, शुरू में डिस्कस किया था हमने, बताया था कि इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, फर्क होता है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, सबूत चीजें भूलते थे, मैं बता रहा हूँ बेटा, हैं ये भेज भी दिया करें, क्यों ये नहीं मिलता तुम लोगों को क्या, कैसे मिलेगा यार, हैं ये नहीं आता आप लोगों के पास, बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, इन्फ्लेशन रेट बताया, फिर जब हम यहाँ आए तो मैंने आपको ये बताया कि भैया इंटरेस्ट रेट हम लेते हैं, याद आ रहा है भाई, हैं ये बताया था नहीं बताया था मैंने, हैं ये था ना, ये बाकायदा बताया तो था तुम लोगों, यार सूद का रेट क्या होता है याद हो रहा है। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, इंटरेस्ट रेट, कौन सा, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स, वो क्यों, क्योंकि आप जो कैश फ्लो यूज कर रहे हो वो भी प्री टैक्स यूज कर रहे हो, विदाउट टैक्स यूज कर रहे हो, तो डिस्काउंट रेट भी कौन सा होना चाहिए। अच्छा जी चलो, यार वो इमरान रियाज का कुछ अभी प्रोग्राम वगैरह नहीं आया, इमरान रियाज का कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं आया अभी तक, क्यों चलो जी आए जरा दोस्त, इस सवाल को रीड करते हैं, नजर आ रहा है ये बहुत छोटा हो रहा है, अब सही है, और बड़ा करें इसको, कोने कोने तक ले जाएं सर, रुक जा बेटा सबर कर, खुद पढ़ा रहा हूं मैं, है ये, रुक जा प्यारा बच्चा, नीचे ले जाते हैं उसको, रुक जा कुछ चीजें आराम आराम से देखा करो, मैं इसको रीड कर देता हूं सर, आप इस सवाल को रीड करने के बाद देखेंगे कितना आपसे सॉल्व हो रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या होता है जी, व्हाट इज मेंट बाय ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हैं नहीं कंफर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी इसका ऑडिट नहीं हुआ, अभी इस पर काम चल रहा है, अगर कोई गलती निकलेगी हम सही कर देंगे, ठीक है जी। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018, सर 2018 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने हैं और हमारा जून ईयर एंड है, ठीक है। इंक्लूड अ प्लांट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 610 मिलियन,
610 रुपये की अमाउंट आगे कैरिंग अमाउंट लिख दिया उसने। चलो जी, फिर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट हैज बीन डिटेरियरेटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज अफेक्टिंग द कंपनी सेल। सर कंपनी की सेल जो है ना वो अफेक्ट हो रही है प्लांट के खराब होने की वजह से। ठीक है जी, फिर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड एस्टिमेट्स रिलेट टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग। फर्क क्या है जी, आपके सामने यहां दो लफ्ज लिखे हैं, ईयर एंडेड और एंडिंग, इसका मतलब क्या है? याद रखना, एंडेड का मतलब है खत्म हो गया साल, उसके आगे हम खड़े हैं। एंडिंग का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है जी, तो वो कह रहे जी अगले साल का डाटा ये दिया हुआ, ये जो नीचे कैश फ्लो आ रहे हैं किस साल के? 2019 के, अगले साल के। सर इनफ्लो फ्रॉम सेल्स आएगा, ये वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आएगा? फिर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्यों? नॉन कैश है सर। फिर सर मेरे पास एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर? नो सर। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी? नो सर। एडिशनल इनफ्लोज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड? नो सर। इंटरेस्ट ऑन लोन? नो सर। मेंटेनेंस? यस सर। फिर सर मेरे पास टैक्स पेमेंट्स? नो सर। तो वैल्यू न्यूज निकाल लोगे इससे? यस सर। फिर ये कह रहे जी कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15%। अरे ये तो पिछले साल जैसा ही है। फिर रेजल वैल्यू आफ्टर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, तो 3 साल इसकी रिमेनिंग लाइफ है, ये कितनी है जी? ये तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। फिर नीचे उसने कहा जी अब गौर से सुनना, डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन कर दें सर। वाह, इस एसेट का डेप्रिसिएशन है कोई कितना? 170 मिलियन। भाई ये आपने वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं लेना। हमने वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में लेना क्या है? पोटेंशियल कैश फ्लोज जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है। अब ये जो लाइन नीचे 3 दी हुए ना, ये मैं किसी से एक से सवाल पूछूंगा। ये कह रहे जनाब एन ऑफर हैज बीन रिसीव टू बाय द प्लांट इमीडिएटली। ये ऑफर कंपनी ने की है या कंपनी को मिली है? जो कंपनी को ऑफर मिली है ये बिड प्राइस है, ऑफर प्राइस है? बिड प्राइस है। हमें किसी ने ऑफर दी है कि भाई हम इतने में खरीदना चाह रहे हैं, ऐसा? ये कितने की बिड लगी है सर? 570। उसने कहा हाँ, लेकिन ये नीचे जो कॉस्ट टू सेल आ रहे हैं ये इनकर करना पड़ेंगे। आप बताएं इसमें कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर ये कॉस्ट टू सेल में आएगा? यस सर आएगा। फिर लीगल कॉस्ट? यस सर। कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन? नो सर। ऐसा, अब बताओ सर डिस्काउंट रेट कितना है? आप मुझे क्या इससे इम्पेयरमेंट निकाल के दे दोगे? अच्छा, आप इम्पेयरमेंट निकालें, मैं आपके लिए सिर्फ यहाँ लिख देता हूँ कैरिंग अमाउंट है 610। तो ऊपर की कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब निकाल के दे दें जी कैरिंग अमाउंट। जी मेरा बच्चा, इसका मतलब देखो एंडिंग 2027, उसके लिए भी मैं आज वर्ड यूज कर सकता हूँ ईयर एंडिंग 2027। एंडिंग का मतलब एनीथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर। 2018 के एंड, 2019 हमारा नेक्स्ट ईयर है, तो कैश फ्लोज हम 2019 के लेंगे, 20 के लेंगे और 21 के लेंगे। मेरे पास सबसे पहले कैरिंग अमाउंट है इसमें कितना? 600। सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट मुझे नहीं पता सर। मेरे पास सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में फेयर वैल्यू कितनी है? 570। ठीक है जी, फिर कॉस्ट टू सेल हम दो कर लेते हैं, 45 और 10 कितने? 515। डन हो गया जी। अब बताएं जी वैल्यू इन यूज, सर 3 साल हैं और हमें कैश फ्लो सीधा सीधा पता है कि एक तो सेल्स है कितने की? 250। सर मेरे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है ओनली 25। फिर हमारे पास सर मेंटेनेंस है 15 रुपये। फिर हमारे पास बच जाता है कितना? 210। अब इसको 85% से मल्टीप्लाई करें,
178.5 और फिर इसको 85% से मल्टीप्लाई करें, 150, ठीक है 152 कर लो उसको। फिर मेरे पास सर रेजिडुअल वैल्यू है 100, बताएं सर मेरे पास नेट कैश लॉस क्या बच गया, 210, 178.5 और अच्छा ये जो आपने भी सवाल सॉल्व किया ये पास पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये इससे लोगों की जान जाती है। अरे इन्ना लिल्लाह भाई मेरी आवाज़ आ रही है, एक्सट्रीमली सॉरी यार, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। सर हमारे कैरिंग अमाउंट है 610, ठीक है जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में फेयर वैल्यू 570 है, ठीक है जी, कॉस्ट टू सेल जो है वो 55 रुपये का, और ये 55 ऐसे आया कि हमने इन दो को ऐड कर लिया था, याद आ रहा है हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था कि यही दो हमारे कॉस्ट टू सेल में आएंगे, बाकी नहीं आएगा, ठीक है जी। ए मेरे प्यारे बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है, फिजिकल में दोस्त बैठा है उसको कॉल कर लो। अच्छा जी ये वैसे अगर मैं चुप भी था ना आपके उसमें तो ये हो जाना चाहिए, ये पिछले सवाल जैसा ही है। अच्छा जी चलो, फिर हमने वैल्यू न्यूज़ में तीन ही चीज़ें ली और हमने उसको 15% कम कर दिया, ठीक है जी। अब बताएं जी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, किस रेट से, अच्छा आप टोटल बता दो, 537, आप बताएं जी मेरे पास 537 आ रहा है, और अगर मैं देखूं सर मेरे पास वैल्यू इन यूज 537, कंपेयर करें कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कितना इम्पेयरमेंट है, यार एक बात बताओ ये पास पेपर का सवाल था, कर लोगे तुम लोग ऐसा, कर लोगे मैनेज पक्का। अच्छा जी क्या टाइम रह गया हमारे पास, कितना टाइम रह गया, 20 मिनट है, यस सर वेरी गुड सर, एक सवाल और निकलेगा हमारे पास से, ये एक और सवाल है, और ये भी किसका है जी, चलो जी बोर्ड पे, ये पिछला वाला कितने लोगों ने सही कर लिया था और कितने लोगों से नहीं हुआ पिछला वाला, बता दो सच बता दो, कुछ भी नहीं बोलूंगा, जैसे ही देखूंगा मैं नीचे काम करने लग जाऊंगा, जल्दी बताओ कितनों से नहीं हुआ सॉल्व, रेजिडुअल वैल्यू मिस कर दे दी कोई मसला नहीं, और रेजिडुअल वैल्यू नहीं ली, क्या गलती की थी, गुड आप समझ आ गए जो गलती की थी जी मेरा बच्चा, वो उससे मसला नहीं, राउंड ऑफ तो आप उठा के जो गणना कर देना उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको गलती काउंट नहीं करूँ। अच्छा जी बोर्ड पे देखें दोस्त, ये कह रहे जी द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बर्बरी सीमेंट, पता नहीं क्या क्या नाम आई कैप इस्तेमाल कर रहा होता, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड अ प्लांट, इंक्लूड्स होना चाहिए, अच्छा अ प्लांट विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 400 मिलियन, कैरिंग अमाउंट उसने आपको बता दिया, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी का चेंज होगा तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है, बाहर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये कैमरा मेरे पास लगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, सर फेयर वैल्यू तो एक तरफ गिरेगी लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा वैल्यू न्यूज पे, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स आएँ उससे जो प्रोडक्ट बन रही होगी वो ज़्यादा रिफाइंड होगी, कम कॉस्ट में आ रही होगी, ठीक है जी, जब कम कॉस्ट में आ रही होगी तो नई मशीन से जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सस्ती बेच रहा होगा, हमारे लिए मार्केट श्रिंक होती जाएगी, ठीक है जी हम फंसते जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी का चेंज आना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसका, इम्पेयरमेंट का, ठीक है सर। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन रिड्यूस टू 4 ईयर्स, तो इसमें 3 नहीं बल्कि 4 साल है, ठीक है। फिर अब देखें इस सवाल में ना एग्जामिनर ने एक लाइन भी लिख सकता, इनफ्लोज इतने लाख नहीं, उसे घुमाया अल्फाज में, उसने कहा जी इनफ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्लांट फॉर 2021 आर एस्टिमेटेड टू बी 200 मिलियन, ठीक है जी, आपकी हालत टाइट इतना टेक्निकल भाई कुछ होगा जरूर इसमें, दीज इनफ्लोज आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज
इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड। इस पूरे तीन लाइन के पैरा में एक ही काम की चीज है, अगले साल का सेल्स से इनफ्लो कितना है 200 है, उसके अगले साल से 10% कम होता जाएगा, कितने साल की लाइफ है। चलो जी वेरी गुड। फिर दूसरा जी, आउटफ्लोज फ्रॉम द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ 2021 आर एस्टिमेटेड टू 80 मिलियन, 80 मिलियन की कॉस्ट है सर 2021 की, फिर ये कितने परसेंट से कम होगी। अब इसका मतलब है आपको सेल्स का कैश फ्लो अलग निकालना है, उसको ग्रो कराना है या कम कराना है सॉरी, और फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आपने भाई आपने यहां जो किया था आपने एक साथ सारा नेट कर दिया, और फिर नेट को क्या किया आपने ग्रो कराया, क्यों, ये भी 85%, ये भी 85%, ये भी 85। अब ऐसा नहीं है, अब क्या हो रहा है, सेल्स का डिक्लाइनिंग रेट क्या है, और मनुष्यों सेल्स का डिक्लाइनिंग रेट क्या है, और कॉस्ट का डिक्लाइनिंग रेट क्या है। तो अब आप ये नहीं कर सकते कि नेट बेसिस पे काम कर दो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स को अलग लेके चलना पड़ेगा, कॉस्ट को अलग लेके चलना पड़ेगा। फिर वो कह रहा है भैया हमारा प्रॉफिट 20% टैक्स पे चलता है, टैक्स लेना है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे कैलकुलेट होती है, करो हमें क्या, प्लांट की डिस्पोजल एंड पे 100 मिलियन पे होगी, ये रेलेवेंट है। हाँ हाँ भाई यही तो लेना हमने एंड में आके यार। फिर अब वो कह रहे हैं अंग्रेजी चेक करें, प्री टैक्स डिस्काउंट रेट 12% है और पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट 9.6% है, कौन सा लेंगे, प्री टैक्स लेंगे सर। फिर वो कह रहे जी टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्लांट हमारे प्लांट से ज्यादा बेहतर प्लांट मार्केट में 350 मिलियन का है, फिर वैल्यू, फिर वेरी गुड सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, रिप्लेसमेंट कॉस्ट फिर वैल्यू होती है, नहीं सर। फिर BCL हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बाय द एग्जिस्टिंग प्लांट टू फॉर 250, ये फेयर वैल्यू हो गई ऐसा, एंड BCL विल हैव टू इनकर अ शिपिंग कॉस्ट ऑफ 7 मिलियन सर, डिस्पोजल कॉस्ट, ठीक है जी, और उसने कहा जी इम्पेयरमेंट निकाल के दे दें, ये कर लोगे जनाब, सर शुरू हो जाओ, आसरा ही नहीं करो, 600 की इम्पेयरमेंट आ रही है, अच्छा 66 ओके, 400 रुपए की टोटल कैरिंग अमाउंट है, चलो जी 66.4 आ रही है समथिंग, किसी की 66 आ रही है, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल जेन्युइनली सॉल्व हो रहे हैं पक्का। चलो जी तुम्हारे पास पेपर्स में टोटल 4 सवाल थे, 3 मैंने तुम्हें करा दिए, एक रिवर्सल का क्वेश्चन है वो और करा दूंगा, इसमें आज तक इतना ही आया। कैरिंग अमाउंट 400, सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट मुझे नहीं पता, हाँ अलबत्ता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरे पास है 250, कितना जी 243 वैल्यू इन यूज, सर मेरे पास कैश फ्लोज, सबसे पहला कैश फ्लो किसका, पहले साल है 200, कह रहे हर साल ये 10% कम होता रहेगा, तो 0.9 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना जी, और 0.9 से मल्टीप्लाई करो, और 0.9 से मल्टीप्लाई करो, 146 कर लो, ठीक है, कॉस्ट 80, 5% बढ़ाओ, कम नहीं करो, कितना, फिर 93.6 जाने दो, फिर और कुछ है इसमें, नहीं सर बस, और रेजिडुअल वैल्यू कितने की, मतलब इस सवाल में करने के मार्क्स नहीं थे, छोड़ने के मार्क्स थे, है ना, बहुत सारी चीजें छोड़ने के मार्क्स होंगे, कितना ही, 1.23 अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट 334
ना होए। मुकम्मल तीर के निशानों के साथ कितना जी ठीक है जी बड़े एक स्टेप और आगे या थक गए हो। चलो हमारी कॉस्टिंग क्लास कितने बजे